मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को करेंगे केदार का दौरा। दौरे को लेकर आक्रोशित है राजपुरोहित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ई चिंतन सत्र में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद। बीजेपी ने न्यूज क्लिक वेबसाइट पर देश के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप, कहा विदेशों से 30 करोड़ रुपए की हुई है फंडिंग। मॉनसून सत्र के एक दिन पहले पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक, कहा स्वास्थ्य और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। यूपी में कांग्रेस ने दिए गठबंधन के संकेत, प्रियंका गांधी बोली विधानसभा चुनाव के लिए खुले हैं पार्टी के दरवाजे। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। केदारनाथ धाम में पिछले साल से लगातार देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम दौरे पर हैं। यहां सीएम धामी विकास कार्यों का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुरोहितों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि तीन मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन किसी ने भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर ठोस निर्णय नहीं दिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने आश्वासन देकर हमें सिर्फ गुमराह किया। जय बाबा केदारनाथ। मैं नवीन शुक्ला, तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम से। बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो केवल केदारनाथ ही पे उनकी नजर रहती है, ऐसा क्यों? जबकि जो भी श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धामों के दर्शन करते हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की नज़र और उत्तराखंड सरकार की नज़र केवल यहाँ पे जो मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं, न कि दर्शन के लिए। और ये पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी, अडानी। क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में लगातार विकास की गति देने के कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री धामी की पत्नी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्यों का शुभारंभ कर रुके हुए विकास कार्यों को गति देने का लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में खटीमा ग्राम तिगरी बुड़ाई में सीएम की पत्नी गीता धामी ने 50 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। गीता धामी ने बताया कि आज तिगरी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सही गुणवत्ता से रोड का निर्माण करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के सभी आंतरिक सड़कों का निर्माण होगा और रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मसूरी जाने से पहले लोगों को होटल बुकिंग के साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के अलावा कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद ही मसूरी में लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही शनिवार और रविवार को मसूरी में दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही पर्यटकों के वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है और उनसे सभी जरूरी कागजात के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति भी प्रदान की जा रही है। देखिए, मसूरी में जो गाइडलाइन जारी की गई है कि बिना कोई भी कोविड टेस्ट, होटल बुकिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मसूरी में प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो हम कुठाल गेट पे चेकिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम किमाड़ी वाला जो रूट है हमारा उस पर भी चेकिंग कर रहे हैं और जिसके पास जो भी नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है, उसको एंट्री दी जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार के निर्देशों के बाद कोरोना से बचाव के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, रामलीला मंचन और सांस्कृतिक समिति ने कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। कोविड वैक्सीनेशन के महत्व को समझाते हुए हास्य और व्यंग के माध्यम से बताया गया कि नेपाली मूल के नागरिक जिनके पास पहचान पत्र नहीं है वो अपने किसी परिचित के पहचान पत्र के साथ टीकाकरण करवा सकते हैं। वहीं गर्भवती या बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ को भी कोविड की वैक्सीन लगाई जा सकती है।
आवश्यक कार्य से विदेश जाने वाले अगर वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं तो दूसरी डोज उन्हें 84 दिन की बजाय 28 दिन में भी लग सकती है। सितारगंज क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक डीएस धामी ने बताया कि जून और जुलाई महीने में चीनी सरकारी सस्ता गल्ला धारकों के लिए जारी कर दी गई है। सभी राशन कार्ड धारकों को 2 किलो हर महीने 25 रुपए प्रति किलो की दर से जून और जुलाई महीने में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के द्वारा कार्ड धारकों को वितरित की जाएगी। साथ ही पूर्ति निरीक्षक ने सभी कार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा कि राशन कार्ड को सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के पास जाकर 2 किलो प्रति कार्ड के हिसाब से जून और जुलाई महीने की चीनी 25 रुपए प्रति किलो की दर से वे ले सकते हैं। साथ ही पूर्ति निरीक्षक डीएस धाबी ने बताया कि प्रधानमंत्री फ्री राशन योजना के अंतर्गत गुलाबी राशन कार्ड और सफेद राशन कार्ड धारकों को जुलाई माह तक मुफ्त में राशन प्रति यूनिट 5 किलो की दर से दिया जाएगा। तो सितारगंज में पूर्ति निरीक्षक ने आज सरकारी राशन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने लोगों से बताया है कि मुफ्त राशन को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही फ्री राशन योजना का भी उन्होंने लोगों को पूरी तरह से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पिंक कार्ड धारक और सफेद कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसके बाद वह सरकार की योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। नैनीताल के नवनियुक्त मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने कार्यालय में मंडलायुक्त और एटीआई का कार्यभार ग्रहण किया। सुशील कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वो कुमाऊं की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ है। कोविड स्थिति पर पैनी नजर रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी और कोविड कार्यों में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। समय समय पर जारी कोविड की गाइडलाइंस का पालन हम सभी को करना होगा। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है, हमें दैवीय आपदा बचाव से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जनता के प्रति जवाबदेही प्रशासन की होनी चाहिए। इसके साथ ही जन समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण भी किया जाएगा। पहले हमारी यही चुनौती है। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो, और अगर हम लोग सतर्क रहेंगे और जागरूक रहेंगे और जो नियम और SOPs निर्धारित की गई है उनका पालन करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी। ये भी आपकी बात सही है कि एक पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन के व्यवसाय में जो लोग लगे हैं उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, उनको भी देखना होगा। हरिद्वार में देर रात से हो रही बारिश की वजह से शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों का घरों से निकलना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। वहीं लगातार आ रहे पर्यटकों को भी जलभराव के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जलभराव के कारण कई वाहन बीच सड़क में ही फंस गए। हरिद्वार के मध्य में स्थित भगत सिंह चौक अंडरपास के नीचे भी पानी भर गया। तो हरिद्वार से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से इस वक्त शहर में पानी भरा हुआ है। वहीं भगत सिंह चौक की अगर हम बात करें तो इस वक्त भगत सिंह चौक अंडरपास के नीचे भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्यामपुर में पीली नदी पर बन रहे पुल के काम करने वाले 4 मजदूर नदी के बीच फंस गए। मजदूरों को बचाने के लिए SDRF और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि पुल निर्माण में लगे मजदूर नदी के टापू पर रात में सो रहे थे, तभी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और मजदूर बीच में फंस गए, जिसके बाद हाईवे अथॉरिटी के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर क्रेन के जरिए SDRF टीम की मदद लेकर मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरिद्वार से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बीती रात 4 मजदूरों की जिंदगी एक टापू पर फंस गई। आपको बता दें कि नदी के किनारे बने एक छोटे से टापू पर मजदूर काम करके सो गए थे, जिसके बाद रात में अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया। वहीं सुबह 4 मजदूरों को हाईवे अथॉरिटी के लोगों ने देखा, जो उस वक्त टापू पर मौजूद थे और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, जिसके बाद SDRF की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और क्रेन की मदद से चारों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया।
पौड़ी जिले में रात से हो रही लगातार बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट होने की वजह से ठिठुरन पैदा हो गई है। लोग गर्म कपड़ों को पहनने के लिए इस वक्त मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने दिशा निर्देशन पर जिला आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही अलर्ट मोड में है। इस वक्त पौड़ी में मौसम काफी सुहावना हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते इस वक्त तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद अब लोगों को हल्की सर्दी भी महसूस हो रही है, जिसके बाद इस वक्त पौड़ी में लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राहत बचाव के काम के लिए भी टीमें तैयार कर दी गई हैं। अगर कोई भी दैवीय आपदा होती है उसके लिए टीमें पहले से ही तैनात हैं। तीन दिन की पुलिस रिमांड में ढोंगी बाबा प्रियव्रत अनिमेश ने पुलिस के सामने करीब 70-80 लाख की ज्वेलरी का राज उगला है। पुलिस ने रिमांड में लिए गए आरोपी की निशानदेही पर ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। दरअसल पिछले दिनों ज्वेलर्स की शिकायत पर बाबा प्रियव्रत अनिमेश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से करीब 9 लाख रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस ने न्यायालय से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस रिमांड में बाबा अनिमेश ने कई राज खोले हैं। फिलहाल पुलिस बाबा से मिली अन्य जानकारियों को लेकर छानबीन कर रही है। ये बाबा जी जो जेल चले गए थे इस मुकदमे में से थोड़ी बहुत इनसे रिकवरी हुई थी। उस समय इन्होंने ये झूठ बोला था कि मेरा सारा माल दिल्ली में है, जबकि पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद जब इनसे तसल्ली से बातचीत की गई तब इन्होंने बताया कि नहीं साहब, वो मेरा नेचर विला में रखा है। तो पुलिस टीम ने 100% जितना माल गया था वो सारा का सारा माल ज्वेलरी बरामद कर ली है, जो नेचर विला से बरामद हुई है। इसकी लगभग 80 लाख के लगभग कीमत होगी, बाकी तो अब ये वही बता पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी इसकी 70-80 लाख रुपये की कीमत होगी। कोटा मुरादनगर में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभी भी पुलिस 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 30 वर्षीय दीपा की उसके देवर ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दीपा 6 महीने की गर्भवती थी। दीपा को मौत के घाट उतारने के बाद उसके 2 बच्चों को भी पीटा गया था। मामले में पुलिस ने मृतका के पति, ससुर, देवर, ननद और सास पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। उत्तराखंड की 240 मेगावाट क्षमता से छिबरो जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे 2 मजदूर अचानक से लापता हो गए। श्रमिकों के सामान से आशंका जताई जा रही है कि ये श्रमिक पावर चैनल में लापता है। श्रमिकों के साथ काम करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सुरक्षा की कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है। श्रमिकों द्वारा यह भी बताया गया कि पावर हाउस में पेंटिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसकी गैस से बेहोश होकर भी श्रमिक पानी में गिर गए होंगे। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि लापता श्रमिक थेपाराम और सीताराम बताए जा रहे हैं। श्रमिकों की फिलहाल खोजबीन चल रही है। जब तक श्रमिकों की खोज नहीं होती तब तक पुलिस का रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा। 2 आदमी गायब हुए सर। कहाँ पर गायब हुए? अंदर पारो छिबरो पारो। क्या काम कर रहे थे आप लोग? पेंटिंग का काम कर रहे थे जी। अच्छा। एक थेपा राम था जी, एक ये सीताराम नाम था, नाम राशि, एक हिमाचल का है जी, एक सराड़ी के। दो आम उत्तराखंड के अति महत्वाकांक्षी छिबरो जल विद्युत परियोजना 200 मेगावाट क्षमता की ये जल विद्युत परियोजना है। मैं मौजूद हूँ छिबरो पावर हाउस में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल जो है ये जो पावर हाउस की सुरंग है इसके अंदर लगभग आपको बता दूं कि दर्जनों सैकड़ों लोग यहाँ पे कार्य काम करते हैं। और कल ये भी बताया जा रहा है कि कल 2 श्रमिकों को यहाँ पे जो है लापता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया है और उसका जो सर्च अभियान चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अंदर जो श्रमिक काम करते थे वो बिना सुरक्षा तंत्र के वो काम करते थे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। उनके वहाँ पे जो स्पॉट था वहाँ पे केवल कपड़े और वहाँ के जो कुछ उनके चप्पलों से ही पता चल रहा है कि श्रमिकों लापता हैं। और अब देखना है कि इन श्रमिकों के जो लापता हैं
उनका जो है पता कब चलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है विनोद रोथाण की ये रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर डीएम ने लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल में सीएम ने इस योजना का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि वहां पर डीएम भी मौजूद रहे जिन्होंने महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की। बता दें कि समस्त जनपदों के कुल 16,929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इस अभियान से व्यापक जन जागरूकता आई है। सितारगंज में ग्रामीणों का कहना है कि अगर पक्की सड़क नहीं है तो वोट नहीं, क्योंकि गांव की सड़कों के ये हालात हैं कि सड़क पर धान की रोपाई की जा सकती है। वर्षों से आस लगाए बैठे हैं ग्रामीण की इस बार जरूर उनको पक्की सड़क मिलेगी, लेकिन हर बार कोरी कल्पना और झूठे वादे ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनसे किए जाते हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और ग्राम सभा बरखेड़ा के पूर्व प्रधान सरदार मेहताब सिंह ने बताया कि 32 साल से पक्की सड़क नहीं बनी है। लगातार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा। जी लगभग जब से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है तब से इस रोड को कोई देखने वाला नहीं है। कहने को तो सांसद मोदी जी से भी कह रखा है, विधायक से जो हमारे मौके पे उनसे भी कह रखा है, और पुराने विधायक जो गोपाल सिंह राणा जी थे और कांग्रेस के वही 2 बार यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं की। आज कोई विधायक देखने को तैयार नहीं है तो हमारे जो ब्लॉक प्रमुख क्या देखेंगे। तो गांव इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, पानी के गड्ढों में भरे हुए हैं, ये रोड को कोई देखने वाला नहीं है। काफ़ी प्रयास करने के बाद आज तक खाली झूठे आश्वासन दिए हैं और रोड को बनाने या देखने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचे। सितारगंज में इस वक्त ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई सालों से सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। आप इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क का खस्ता हाल देखने को मिल रहा है। सड़क पर पानी भर जाता है, बारिश के वक्त लोगों को सड़क से निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से आए दिन वाहन दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। बंगलौर में बकरीद के त्योहार को लेकर सीओ ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में तमाम ग्रामीण वहां मौजूद रहे। वहीं सीओ पंकज गौरेला ने बताया कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदायों के लिए बहुत ही अहम त्योहार माना जाता है। उन्होंने बकरीद के त्योहार को लेकर कहा कि हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भी धार्मिकता को ठेस पहुंचे। सीओ ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि खुले में पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। कोरोना कर्फ्यू के चलते सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार ही शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाया जाए। साथ ही बकरीद की नमाज में भी केवल सीमित लोगों को ही ईद की नमाज अदा करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस द्वारा की गई इस मीटिंग को लंडौरा व मंगलौर के लोगों ने बहुत सराहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।